तो हेलो गाइस, मेरा नाम अमित है एंड आप सभी लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एमएक्स प्लेयर में एक प्रॉब्लम आ गई थी। दोस्तों, दिस वीडियो इज़ नॉट सपोर्टेड। दोस्तों, अब एक प्रॉब्लम और आ गई है। जैसे ही दोस्तों मैं अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो डिलीट करता हूँ तो डिलीट नहीं होती। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वीडियो अब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ दोस्तों यहाँ पर डिलीट करता हूँ, डिलीट के ऑप्शन पे एंड दोस्तों ओके का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ना आपका डिलीट होगा और दोस्तों यहाँ पर लिखेगा प्लीज़ चूज़ द रूट डायरेक्टली ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को रूट डायरेक्टली करना पड़ेगा, तभी आप लोग का एम एक्स प्लेयर से कोई भी फाइल डिलीट हो सकता है। दोस्तों, इसे कैसे करना है मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओके करने के बाद दोस्तों आपको सामने ऐसा ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, स्कैन डिस्क पे आपको करना है, SD कार्ड में। अगर आपका दोस्तों रेडमी में रहेगा या इंटरनल स्टोरेज में रहेगा तो दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक फोल्डर नया बनाने लग पड़ेगा। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया फोल्डर बन जाएगा एंड दोस्तों सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोबारा फाइल आप लोग डिलीट करेंगे तो आप लोग को डिलीट हो जाएगी। आप लोग करेंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग की फाइल डिलीट हो गई है। दोस्तों, आप इसी तरीके से अपने जितने भी फाइल हैं डिलीट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही आप लोग पूरे फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो नॉलेजेबल थी। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो।